मॉर्निंग, ये थोड़ा सा फुस हो गया है, फुस फुस हो रहा है, ये एकदम सही है, एकदम पैक। आलू ने ये काम मस्त किया है, यहाँ पे ये झिलमिल लगा दिया। आपको याद होगा शायद लास्ट ईयर मैंने लिया था, लास्ट ईयर ड्राइंग डाइनिंग में लगाया था। चलो बलून्स जब तक है मैं अभी तक खुश हूँ। घर पूरा बेहाल है आज, इसको ठीक करना है। अच्छा, एक कस्टमाइज परफ्यूम दिया है आलू के फ्रेंड ने, ये वाली, इतना सुंदर इसका फ्रेग्रेंस है। मैं स्पेशली इसको थैंक्स बोलूंगी, मेरी बेटी की तरह ही है, सेकंड डॉटर बोल सकते हो। गुड मॉर्निंग बोलो आगे सबाई के। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सबाई के। तो बाबा सकाल वाला कोथा जाच्छे बोलो। ওই তো বিনায়ক মন্দির যাবো, ঠাকুর প্রণাম করবো, তারপরে একটু এদিক ওদিক চেনা পরিচয় জায়গাগুলো হাঁটবো, হাঁটার পর ব্যাক করবো। আচ্ছা চলো তাহলে ঘুরে এসে হাঁটু হাঁটু। মা যাবে না একবার? গুড মর্নিং, গুড মর্নিং। पापा बाहर टहलने चले गए हैं, मम्मी अभी नहाने गई हैं। मम्मी के साथ बात करते करते आज ना वीडियो एडिट करना था सुबह बैठ के, वो हुआ नहीं क्योंकि इतनी सारी बातें हो रही थी। एडिटिंग करने में थोड़ा सा बैठ के टाइम लेके करना पड़ता है, तो मैंने सोचा यही अभी मम्मी के साथ बात कर लूँ फिर जाके बैठूँगी। अभी बस बैठी ही थी, सोचा आपसे बात कर लूँ। हैं गुड मॉर्निंग बोल देती हूँ आप सबको। डिनर करके सोते सोते देर बज चुका था इसलिए और ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाइए। फिर आज का दिन स्टार्ट करते हैं, सुबह सुबह दोनों इंश्योर पीते हैं। सब पीना हो गया बिस्किट के साथ, ठीक है। पूजा का फुल संभालने का जो काम है, जिम्मा है जो, वो मम्मी ने ले लिया। चलो मैं अभी फ्री बैठी हूँ कुछ देर तक, 9:30-10 बजे तक उठूँगी, फिर जाके ब्रेकफास्ट बनाऊँगी और देखती हूँ क्या क्या चलता है। बहुत कुछ तो सोच रखा है, मम्मी पापा के हेल्थ के कंडीशन के अनुसार ब्रेकफास्ट बनाऊँगी पूछ के। आपको उसी टाइम पे मिलूंगी, ठीक है। हप्पम ब्रेड बोले हैं, हप्पम ब्रेड, फिर से आ गया ब्रेड लोगों के साथ। इसको बोलते हैं ब्रेड ऑमलेट, कोलकाता फेमस, अभी हम लोग खाएंगे नाश्ते में। बनेगा आलू परवल और प्रॉन के साथ एक सब्जी, मैरिनेशन हो गया था प्रॉन का, फिर उसके बाद इसको फ्राई कर लिया। कुकिंग चल रही है, मैं क्या करके कुकिंग कर रही हूँ, मम्मी क्या कर रही है, मम्मी साड़ी संभाल रही है, ठीक है, रख रही है, क्या क्या लेके आई है भूल गई। किसी के साथ मैचिंग ब्लाउज नहीं है, किसी के साथ मैचिंग साड़ी नहीं है, अब इधर आके मम्मी को लग रहा है कि ये नहीं लाई वो नहीं लाई, ठीक है। ये सब चल रहा है, मम्मी का स्वेटर, यहाँ तो मोटा स्वेटर बोधा लागू ना कौन आर, तुम्हें तो अंत बोले चले। पापा बैठ गए इधर मैट लेके। পাপা হাই বলো। হাই, কি দেখছো, কি দেখছো তুমি, অঙ্ক বই? বাস ওরিয়া বাবা আপনা আপনা হে দেখো, ম্যাথ কা ইতনা সারা বুকস। गुड आफ्टरनून। खैर पापा भी सो गए थे, मम्मी भी सो गई थी और मैं यहाँ पे लेट के रेस्ट ले रही थी। आनू आ गई है, उसको भी खाना वाना खिला दिया है। आज आनू को लेके जाना है, उसके ब्रेसेस का आज मेंटेनेंस है तो वो करके आएंगे, ठीक है। जो भी बहुत ज्यादा नींद आ रही है, 2 दिन से पता नहीं रेस्ट नहीं लिया। ये दुकान में जाना चाहता है, ओ हो 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 हो, इसलिए डर डर के पागल हो रही है। देखो देखो देखो, हो गया इसका मेंटेनेंस, क्लियर कर देते हैं। लग गया ना, ठीक है। तो उसके बाद मैडम ने बोला चलो एक दुकान पे चलते हैं मम्मी, अभी क्रिसमस के लिए ना पूरा इतना सुंदर सजा के रखा है, कुछ ना कुछ तो फेस्टिवल चल रहा है, चलता ही जाता है और लोग सजाते रहते हैं, अच्छा लग रहा है। चलो थोड़ा घूम के आते हैं आनू के साथ। आनू बस घूमने में ही मजा आता है आनू को, ना ना सो हम लोग है स्टाइल यूनियन में, यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा लेस है, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं लेकिन वैरायटी ठीक है, ओके ओके सो सो। यार तुम्हारे काने दुलो, तुम्हारे देखते कानी हिल जाएगी तेरी,
नेटफ्लिक्स की आर पावो हमरा हाँ दिस वन इज लिटिल बिट डिजाइनर जोड़ूते हो देखते पड़ीस दैट प्लेन लाइक दैट सैटिन सी दिस ब्लाउज इज सो प्रीटी अबव या व्हाट इज या दिस सैटिन डीप वी नेक या ये भी अच्छा लग रहा है सारे अच्छे हैं पर बैक में क्या आनू एक्चुअली स्कूल एथनिक डे के लिए कुछ ढूंढ रही है ब्लाउज ढूंढ रही है कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं ना स्कूल के तो उस हिसाब से मेरे पास जो ब्लाउजेस है वो उसको आएगा नहीं तो वो अपने लिए कुछ ढूंढ रही है और वो बैकलेस नहीं होना चाहिए स्लीवलेस भी नहीं होना चाहिए तो ऐसा कुछ ढूंढ रही हूँ देखती हूँ अगर नहीं है तो शॉप में जाके या फिर ऑनलाइन मंगवाना पड़ेगा आनू और आनू के सारे चीज़ें एंड हम लोग अभी है वेस्ट साइड आनू पसंद किए ही जा रही है अभी बच्चों का पसंद अलग हो रखा है आप मैच नहीं कर सकते फाइनली ब्लाउज सिलेक्शन हो गया बाप रे बाप मेरे लिए इतना टाइम नहीं लगता आनू के लिए इतना टाइम लगता है फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई हूँ एथनिक सेक्शन में मुझे अच्छा लगा ब्लाउज के बहुत सारे ऑप्शंस हैं यू कैन ट्राई गुड मॉर्निंग सुबह सुबह खाना बना रही हूँ एक्चुअली आज हमारा मतलब हमें जाना है हॉस्पिटल मम्मी पापा का चेकअप के लिए साल में एक बार तो हम कराते हैं तो इस बार जो है घुटने में थोड़ा पेन है तो उसको दिखाने के लिए जाएंगे थोड़ा दूर है हॉस्पिटल तो सुबह सुबह कुकिंग करके रेडी होके फिर बाबा रही अभी जस्ट कुछ देर पहले ही उठी हूँ बहुत मतलब सब कुछ करके जाना पड़ेगा ना इसलिए जल्दी जल्दी कर रही हूँ तो चलो आलू गोभी बनेगा दाल बनेगा और एक भिंडी की सब्जी बनेगा राइस बनेगा ये सब बनेगा अभी घर पे वो रहेंगे आनू चलिए फटाफट कर लेती फिर वहाँ जाके मिले घर बन गया दाल ये मूंग का दाल है और साथ में आलू गोभी ये है आज का हमारा जल्दबाजी वाला ब्रेकफास्ट नहीं जल्दबाजी वाला नहीं है बहुत ही अच्छा ब्रेकफास्ट है एकदम हेल्दी ब्रेकफास्ट के बाद घर का सारा काम कंप्लीट करके नहा के एकदम रेडी होके आए हैं क्योंकि पता नहीं है कब हम छुटकारा पाएंगे यहाँ से तो ये देखिए राइट साइड से पूरा मेट्रो का काम ऑलमोस्ट हो चुका है सोच के और सुन के कितना अच्छा लग रहा है कि कुछ दिन बाद से हमारे घर के बिल्कुल सामने से मेट्रो जाएगा है ना तो चलिए देखते देखते हम पहुँच गए हॉस्पिटल वैसे आज हम अपॉइंटमेंट करा के नहीं आए थे यहाँ पर आके ही सब कुछ करना पड़ेगा मेरे लिए भी हॉस्पिटल पूरा नया है देखते हैं चलिए सुबह सुबह हॉस्पिटल से गुड मॉर्निंग बोल रही हूँ क्योंकि मम्मी पापा के साथ आई हूँ मम्मी पापा को लेके आई हूँ डॉक्टर विजिट के लिए सो हम हैं व्हाइट फील्ड बैरेही हॉस्पिटल एक एक जगह पे एक एक स्पेशल चीज़ दिखाना है अभी घुटने के लिए आए हैं तो चलिए ये देखो हॉस्पिटल बहुत ही सुंदर है एकदम क्लीन ये देखो कितना सुंदर पानी में खेल रहे हैं कबूतर बाय द वे हमारा डॉक्टर रजिस्ट्रेशन हो गया है विजिट अभी नहीं है एक डेढ़ घंटा बाकी है तो पापा मम्मी इधर देखो दोनों को लेके नीचे आ गई हूँ अभी कुछ देर मम्मी का फोटो खींचूंगी इसलिए मम्मी रेडी हो रही है ना बट हॉस्पिटल अच्छा है हम यहाँ पे हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट ऑर्थोपेडिक दिखाने के लिए आए हैं सुबह सुबह आ गए हैं वॉक इन चलो वेस्ट बंगाल जाने के लिए एम्बुलेंस यहीं से मिलेगा पश्चिमबंग जाने के लिए एम्बुलेंस पाया जाए ये का नंबर हॉस्पिटल डॉक्टर ने थमा दिया है एक लंबा लिस्ट एक्चुअली अभी हो रहा है एक्सरे एमआरआई के लिए अपॉइंटमेंट आज का नहीं मिला कल फिर से आना पड़ेगा एक्चुअली ये होता ही है ना अगर आप ऐसे चेकअप के लिए आओगे तो फुल डे पकड़ के आना पड़ेगा सो अभी इंतज़ार के अलावा और कुछ काम नहीं है मम्मी एक जगह पे पापा एक जगह अभी मैं इंतज़ार कर रही हूँ एक्सरे रिपोर्ट के लिए ठीक है बहुत हैरस है ऊपर नीचे नीचे ऊपर तब से किए जा घड़ी में बजा है 1:45 करीब 2:15 तक पहुंच जाएंगे घर चलिए आज के लिए तो हो गया कल देखते हैं क्या होगा पापा अपना रिपोर्ट देख रहे हैं
रिपोर्ट देख के खुश हो पापा? रिपोर्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन पापा खुश है। हॉस्पिटल वगैरह में जाना, चेकअप कराना, उसके बाद आके पूरा फ्रेश होना पड़ता है, नहीं तो ना मेरा दिमाग एकदम वो हो जाता है। बट सुबह सुबह मैं क्या क्या खाना बना के गई थी आपको दिखा रही हूँ। इधर है भिंडी, सरसों और खसखस के साथ। मुझे लग रहा है ऊपर से किसी ने खाया है। आनू आनू ले लेके चली जाती है। यहाँ पे है आलू गोभी, ये आप देख के समझ सकते हो यहाँ पे होल हो गया है, क्योंकि यहाँ पे दो गोभी आनू ने खाई है। ए आनू, बच्चों को छोड़ के जाना ना, घर में कुछ ना कुछ भूख लग जाती है। और यहाँ पे है दाल, प्लेन मूंग का दाल है। यहाँ पे पापड़ तलूंगी और साथ में चटनी है। ठीक है, लंच कर लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। यहाँ पे है बूंदी, ये आप देख सकते हो। एक्चुअली इसको गर्म करके खाना होता है तो अच्छा लगेगा। मैंने ऐसे ऐसे ही ले लिया, भूख लगी है। आज का वेज लंच मेनू, यहाँ पे है आलू भाते, मतलब आलू को जस्ट मैश कर किया है कच्चा तेल और नमक के साथ, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। और यहाँ पे है भिंडी, यहाँ पे फूल गोभी है, दाल है, पापड़ है, इसके साथ चटनी भी है और थोड़ा सा दही भी है। ये गया पापा का प्लेट। पापा बहुत देर से भूखे हैं तो पापा को पहले खाना देती हूँ। हेलो, गुड इवनिंग। एक्चुअली ना आज सुबह सुबह उठ के इतना लॉन्ग एक वो चला ना कि थकावट हो गई और सो गए। एक्चुअली क्या होता है ना, वो ऊपर नीचे हॉस्पिटल में इधर उधर करते करते कब ना जाने उस टाइम पे तो कर रही थी हड़बड़ी में, घर आके खाना वाना खा के ना टायर्ड हो गई तो अभी सो गई थी। आनू भी स्कूल से आ चुकी है, आज उसने खाना वाना नहीं खाया क्योंकि आज उसके स्कूल में कुछ प्रोग्राम था तो वहाँ पे खा पी के आई है पेट फुल। तो अभी किसी दोस्त के साथ बात कर रही है तो मैंने सोचा उठ चुकी हूँ तो आपसे हाई हेलो कर देती हूँ। बाहर बहुत सारे कपड़े हैं जो उठाने पड़ेंगे, फिर उसके बाद चलूँगी किचन में। कोलकाता में तो ठंड पड़ चुकी है, यहाँ पे उनकी वजह से यहाँ पे इतना मतलब वेदर इतना ठंड हो गया था, टेम्परेचर ड्रॉप हो गया था। तो मम्मी पापा उस टाइम पे आ रहे थे ना, मैंने बोला था कि ये लेके आओ, वो लेके आओ, पुलोवर हुडी वगैरह, बट यहाँ पे आके वो लोग बोल रहे हैं क्या है, ठंड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बैग भारी हो गया हमारा। सो ये है बात। चलो कपड़े उठा लेते हैं, फोल्ड कर लेते हैं, फिर संध्या आरती करूँगी, फिर किचन में जाऊँगी। आज एक अलग कुछ बनाऊँगी क्योंकि विंटर के सीज़न में ये रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। मैंने बनाया था मेरे ब्लॉग में पहले भी, तो चलो अभी बनाएंगे, प्रिपरेशन करेंगे, फिर आपसे मिलती हूँ उसी पर। आज बनेगा एक तड़का, तो इसके लिए मैंने प्याज, टमाटर, धनिया पाउडर, ग्रीन चिलीज, बस ये सारी चीज़ों को ऐसे ही चॉप कर लीजिएगा बारीक। यहाँ पे ग्रीन मूंग का दाल जिसको मैंने बॉईल कर लिया है, कुछ ज़्यादा ही सीटी डाल दिया था इसलिए कुछ ज़्यादा ही बॉईल हो गया है, ये देखो। बट हाँ, ऐसे दिखना चाहिए, ये मैंने मॉर्निंग में ही बॉईल कर लिया था सो इसलिए। इसके साथ आप ना चना दाल भी भिगो सकते हो, लेकिन मैंने आज बस ग्रीन मूंग दाल ही भिगोया था। सो चलो, और जिंजर और गार्लिक को कुछ इस तरीके से कूट लेंगे। आप ग्रेट भी कर सकते हो, कद्दूकस भी कर सकते हो। पेस्ट मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि इसका जो ऐसे रेशे है जो मुंह में आता है ना, वो ज़्यादा स्वाद लाता है। तो चलिए, मैं एक तड़का बना रही हूँ इसलिए पहले एक अंडा मैं यहाँ पे थोड़ा सा भुर्जी बना लूँगी। वाइट ऑयल गर्म हो चुका है, डाल देंगे चॉप्ड ऑनियन, टमाटर और ग्रीन चिली। अब जल्दी जल्दी सॉफ्ट होने के लिए मैं यहाँ पे डाल दूंगी एक टीस्पून नमक, बट ज़्यादा हम गला नहीं देंगे, कांच कांच करेंगे बस। अब यहाँ पे डाल देंगे कूटा हुआ जिंजर और गार्लिक। अब एक दो मिनट फ्राई करने के बाद मैं यहाँ पे डाल दूंगी सारे बेसिक ड्राई स्पाइसेस, हल्दी पाउडर, नमक, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी रेड चिली पाउडर थोड़ा ज़्यादा करके। जीरा पाउडर भी एक दो चम्मच आप डाल ही सकते हो थोड़ा ज़्यादा करके। और यहाँ पे अच्छे से मैं एक मिक्स दे दूँगी ढक के, और कुछ देर बाद यहाँ पे ऐड कर दूँगी गरम मसाला पाउडर। मैं यहाँ पे दो चम्मच गरम मसाला पाउडर यूज़ कर रही हूँ, ये शाही गरम मसाला है, आप कोई भी गरम मसाला पाउडर यूज़ कर सकते हो, लेकिन करिएगा ज़रूर। ये हम तब तक पकाएंगे जब तक ना ऑयल सेपरेट होके आए, और ढक के पकाएंगे कुछ देर तक। कम ज़्यादा आप सबने ही ग्रीन मूंग बनाए होंगे, लेकिन कुछ इस तरीके से बनाने से ना इसका जो स्वाद है और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। आप इस रेसिपी फॉलो करके एक बार ज़रूर बनाइएगा। हमारे उधर कोलकाता में रोटी के साथ एक तड़का बहुत फेमस एक कॉम्बिनेशन है।
बट अगर आप एक तड़का बनाना नहीं चाहते हो तो एक वाला जो पार्ट है वो स्किप कर दीजिएगा, बाकी जो जैसा है वैसा रखिएगा, ये भी बहुत अच्छा बन के आएगा। अभी मैं डाल दूंगी फ्रेशली चॉप्ड धनिया का पत्ता और कसूरी मेथी, ये आप ज़रूर डालिएगा। कसूरी मेथी मेन इंग्रेडिएंट्स है और ये डालने से इसका जो तड़का का जो स्वाद है और भी अच्छा आता है। तो चलिए इसको अच्छे से एक मिक्स दे देंगे। देखो एक तड़का रेडी है, कुछ इस तरह से बना है, बहुत इतना अच्छा खुशबू आ रहा है ना, घर पे सब बोलेंगे आप क्या बन रहा है आज, बहुत अच्छा खुशबू बन आ रहा है। तो ये गरम गरम रोटी पराठा इसके साथ खा सकते हैं, ज़रूर बनाइएगा, हमारा बंगाली स्पेशल है ये। वहाँ पे ना सर्दियों के मौसम पे रास्ते पे ऐसे छोटे छोटे दुकानों में मिलता है गरम गरम रोटी और तड़का। डिनर सर्व कर ले तड़का, प्याज और उसके साथ नरम नरम गरम गरम रोटियाँ, ठीक है। और मम्मी पापा रात को दूध पीते हैं सोने से पहले। तो चलिए इसी के साथ डिनर कंप्लीट, ब्लॉग भी एंड करते हैं।